गुड इवनिंग दोस्तों दोस्तों मैं डॉक्टर निलय जैन आप सबके सामने आज कोरोना वायरस का जो एनालिसिस है उसके को लेकर ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरा एशियन कंट्रीज़। पहले हम चलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जहाँ पर शुरू हुआ था। इटली हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इराक हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जहाँ पर कोरोना वायरस ने अभी अपनी महामारी का मौत का तांडव फैला के रखा है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी पूरे विश्व में लगभग कोरोना वायरस से 16 लाख लोग अफेक्टेड हैं और उसमें से 1 लाख के ऊपर डेथ हो चुकी हैं। तो हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डेथ क्यों हुई। तो इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि हम अफेंसिव और डिफेंसिव दो चीज़ों को लेकर चलें। जब भी कोई मैच होता है तो एक ऑफेंसिव टीम होती है जो गोल करने के लिए भागती है, उसके सारे खिलाड़ी सामने वाली टीम पे गोल करना चाहते हैं कि हम 10 गोल मारेंगे तो कम से कम 2-4 गोल तो पड़ेंगे। एक होती है डिफेंसिव, वो ये सोचती है कि तुम कितने भी गोल मारो लेकिन हमारा गोलकीपर गोल रोक लेगा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो ऑफेंसिव गेम खेल रही थी, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो इस बार को समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस जैसा छोटा सा वायरस इतना पैर पसार लेगा और इतना ज़्यादा मौत का तांडव फैला देगा। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने तैयारियां नहीं की, वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि ऐसा तो आएगा नहीं और आएगा तो हम इसे निपटने के लिए हमारे पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे लोग एजुकेटेड हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, GDP उन देशों की बहुत अच्छी है। यहीं ये वे मात खा गए। अब हम चलते हैं हमारी कंट्री की तरफ या दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया के आसपास हैं। हमारे यहाँ हमने डिफेंसिव गेम खेला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने समय रहते ही लॉकडाउन कर दिया, जो कि एक सबसे बड़ा स्टेप इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में, सीमित करने में कारगर हुआ। उसके बाद जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, कलेक्टर्स हैं, SP हैं, पुलिस प्रशासन है, सारे लोगों ने मिलकर, एक टीम वर्क था, ये टीम वर्क का इतना अच्छा उदाहरण पूरे सृष्टि में कहीं देखने को नहीं मिलता जिन्होंने लॉकडाउन का इतने अच्छे से पालन कराया। दूसरा, लॉकडाउन के बाद हमारे देश के जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा देश शुरू से गर्म देश कहता है, इसका टेम्परेचर गर्मियों में 42, 44, 48, 52 तक चला जाता है, तो ये गर्म देश होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा, BCG का टीका हमारे देश में शुरू से पहले से लगते रहा है, ये भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में एक मतलब कारगर साबित हुआ है। उसके अलावा मलेरिया हमारे देश में बहुत तेज़ी से होता था और मलेरिया का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा था, कहीं ना कहीं ये मलेरिया का फैक्टर भी हमारे देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में सफल हुआ। उसके अलावा हमारे देश की जो संस्कार हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो रही हैं। हमारे देश के लोगों का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, शुरू से हमारे देश में खान पीन का ध्यान रखा जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, योगा किया जाता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, हरी सब्जियाँ हमारे यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में खाई जाती हैं, हरी सब्जियाँ, साफ़ सुथरी सब्जियाँ खाई जाती हैं, फल खाए जाते हैं, इन सब कारणों से हमारे देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो एक लिमिट तक आके ठहर गया है। और उसके अलावा हमारे देश के तारीफ़ करनी पड़ेगी कि हमारे देश का जो भी सिस्टम है उसकी, पुलिस वालों की, मीडिया की, जिन्होंने लोगों को कोरोना वायरस का इतना खौफ ला दिया था कि लोग स्वतः ही डर के मारे अपने आप अपने घरों तक सीमित रह गए थे। रामायण और महाभारत ये हमारा धार्मिक आस्थाओं का सीरियल है। पहले जब रामायण महाभारत आती थी तो 15 से 20 करोड़ लोग इसको देखते थे और अपने आप लॉकडाउन हो जाता था, आज से 30 साल पहले। आज भी इस समय रामायण और महाभारत का प्रसारण किया जा रहा है जिसने लोगों को घरों तक रोक दिया है। हर आदमी ने अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा खींच ली कि नहीं, हम इसके आगे नहीं निकलेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो रही हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि यदि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया जाता है, जैसे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पीरियड है, यदि लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ा देते हैं तो देखिए हम लोग की आदत तो पड़ गई, पिछले 25 दिन में हम लोग की पूरी आदत पड़ गई, हम लोगों ने अपने आप को घरों में बांधना सीख लिया, खाने पीने में कंट्रोल हो गया, अपनी आदतों पर कंट्रोल हो गया। अब यदि हमें 15 दिन और 1 महीने और लॉकडाउन में रहना पड़े तो इसके लिए हमारे सारे देशवासी तैयार हैं। लेकिन यदि लॉकडाउन नहीं बढ़ाते और तो एक्सपेक्टेड जो डेथ थी या लॉकडाउन देर से होता तो करीब हमारे देश में जो एक्सपेक्टेशन है 8 से 10 लाख के करीब लोग संक्रमित होते और उसमें से 1.5 से 2 लाख की मृत्यु होती। तो कितना ही बेहतर होगा कि इतने लोगों को हम बचा सकें 15 और 20 दिन का लॉकडाउन या 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ा के। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अभी हमें लॉकडाउन पीरियड को और बढ़ा देना चाहिए और उसमें हम सारे देशवासी योगदान देंगे ताकि हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। धन्यवाद।